नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं चैनल पर्दे के पीछे। सलमान भाई और डायरेक्टर हैं साउथ के एआर मुरुग डॉस, उनके कोलैबोरेशन के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आपसे क्वेश्चन कर लेता हूं, सलमान भाई की पहली फिल्म कौन सी थी, उसका आपको नाम कमेंट में देना है। कोलैबोरेशन जो होने वाला है ना एआर मुरुग डॉस का और सलमान भाई का, ये ईद 2025 पे ये पिक्चर आएगी। अब ईद पे कुछ टाइम पहले डिसाइड हुआ था कि बुल आने वाली है, ये वाली आएगी या ईद पे बुल पहले रिलीज होगी, इस पे कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। हालांकि जैसा सलमान भाई ने अपडेट दिया ना, तो ईद पे यही वाली फिल्म पहले आएगी, मुरुग डॉस वाली। फिर सवाल ये है कि सलमान भाई पहले बुल वगैरह की ट्रेनिंग लेके बैठे थे, शूटिंग वगैरह स्टार्ट हो गई, तो फिर उसका क्या होगा? उसकी रिलीज डेट का तो कुछ अपडेट ही नहीं है अब तक। ये डायरेक्टर एआर मुरुग डॉस जिनको बोर्ड पे लाया गया है ना, ये वांगा की तरह बवासीर फिल्में नहीं बनाता, ये अनदर लेवल काम करता है। रजनी का क्रेज याद करो आप, उस टाइम पे 2008 में 100 करोड़ पार किए थे उस पिक्चर ने। सलमान भाई को इसमें ले लिया, कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि गजनी के डायरेक्टर के साथ काम करते करते कहीं वो स्क्रिप्ट पढ़ना भूल जाएंगे हर 15 मिनट में, एक्टिंग करना भूल जाएंगे। नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पर्दे के पीछे। सलमान भाई के जो फैंस है ना, उनको ये बात पता होगी कि एक ओल्ड अपडेट ये बहुत पहले से आ रही थी कि शेर खान नाम से भी फिल्म बनने वाली थी, सोहेल खान बना रहे थे उसको, पता नहीं फिर उसका क्या हुआ, कहीं ये वही वाली तो नहीं है। और सलमान भाई की एक आदत भी है कि वो मतलब अपने जितने भी फेवरेट स्टार्स है ना, उनको अपनी फिल्म में पहले ले लेते हैं रिलेशंस के चक्कर में। भाई प्लीज, अब कोई बेरोजगार योजना नहीं, प्लीज जो डेडिकेटेड एक्टर्स है ना वो ही लिए जाए तो अच्छा है। फैंस का तो ये कहना होता है कि वो ईद ईद ही नहीं लगती जिसमें सलमान खान की फिल्म ना आने वाली हो। कुछ फैंस अंदाजा लगा रहे थे कि ये किक 2 का सीक्वल है, वो बोल रहे हैं इसमें किक है, किक नहीं इसमें किक 2 है। एक और बात, ये फिल्म किसी फिल्म का रीमेक ना हो, बाकी जो कलेक्शन है ना वो फैंस संभाल लेंगे अपने आप। फिल्म का जो लेवल है ना वो कम से कम एनिमल के जितना तो होना ही चाहिए, उससे आगे नहीं निकले, बराबर तो होनी चाहिए, तभी वो वांगा का घमंड टूटेगा। वो हर एक इंटरव्यू में जाके अपनी फिल्मों के बारे में पता नहीं क्या क्या बकवास किए जा रहा है, जो मर्जी आ रहा वो बोल रहे हैं। इटली जो है ना जवान के डायरेक्टर, उन्होंने मतलब उनको दबंग 4 डायरेक्ट करने को ऑफर हुई थी, उन्होंने नो बोल दिया, उसके बाद में ये अपडेट आई है। वैसे इटली और सलमान को भी साथ में आना था यार, खैर अभी पॉसिबल नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, आगे फिर कभी होगा। सलमान भाई की जो 2 फिल्में है ना अगली, वो दोनों में साउथ के डायरेक्टर्स हैं, जलवा है साउथ वालों का। एक विष्णुवर्धन की फिल्म है बुल नाम से आने वाली है, दूसरी ये एआर मुरुगदास की फिल्म है, ये अनटाइटल्ड है, अभी टाइटल फिक्स नहीं हुआ। इसमें अगर अनिरुद्ध का बैकग्राउंड म्यूजिक और ऐड कर दिया जाए ना, उन्हें और ले आया जाए, तो आग लग जाएगी ऑल्स में। यही तो चाहते हैं फैन सलमान भाई के उनसे। अगर ये किक का सीक्वल हुआ तो सलमान भाई का डायलॉग होगा, पूरी दुनिया डेविल के पीछे, डेविल आपके पीछे, टू मच नॉनसेंस और सॉरी टू मच फन। एआर मुरुग डॉस जो डायरेक्टर है ना, उनकी ये खासियत है कि वो लार्जर देन लाइफ फिल्में बनाते हैं, उसमें भी लॉजिक का ध्यान रखते हैं। आप गजनी देख लो, हॉलीडे देख लो, अकीरा फिल्म आई थी उनकी सोनाक्षी सिन्हा की, वो देख लो आप। कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये, फिजिक्स की माँ बहन नहीं होगी, सलमान भाई इस बार फुल मूड में है, आग लगा देंगे। एक बात और मैं बोलना चाहूंगा कि अभी से रिलीज डेट फिक्स ना की जाए इसकी, कम से कम फिल्म कंप्लीट करने से पहले इस बारे में सोचा भी ना जाए। भाई की फैन फॉलोइंग की तरफ से मैं बोलूंगा कि हमको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना। और एक और बात, पैन इंडिया फिल्म से बनाया जाए, पैन इंडिया से कास्टिंग की जाए पूरी, साउथ से भी एक्टर्स लिए जाएं, वो भी तो हमारे एक्टर्स को यूज करते हैं स्टार्स को यार, इससे फिल्म की रीच बढ़ जाएगी, क्योंकि वो लोग भी तो हमारे स्टार्स का फायदा उठा रहे हैं ना। जैसे गॉडफादर में सलमान खान का उठाया था, एक मिनट, फायदा उठाया था कि नुकसान, चलो छोड़ो। 2025 सलमान खान का साल होने वाला है, जैसे 2023 शाहरुख खान का हुआ था। आपका इस बारे में क्या कहना है? मैं भाई बहुत एक्साइटेड हूँ, आप कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, उसके अलावा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें तो करना, और मैंने क्वेश्चन किया है उसका आंसर करें। धन्यवाद।